नमस्कार, मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देश हेडलाइंस। बिहार विधानसभा में बवाल, विधायकों ने की स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश। डीएम व एसएसपी के साथ की धक्का मुक्की, मार्शल ने उठाकर बाहर फेंका। केंद्र सरकार का आदेश, 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। पंजाब के 81% सैंपल टेस्टिंग में मिला कोरोना का यूके वेरियंट। राजस्थान के सीएम बोले, युवाओं को भी लगे वैक्सीन, जिलों में लगा सकते हैं लॉकडाउन। टेस्ट ट्रैक ट्रीट पॉलिसी पर फोकस करे राज्य, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमला, डीआरजी जवानों से भरी बस को ब्लास्ट से उड़ाया, 3 जवान शहीद, 8 घायल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल ऑफिसर के 150 पदों पर भर्ती, 6 अप्रैल है लास्ट डेट। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में भी 627 पदों पर भर्ती। डीजी संजय पांडे ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मुश्किल में महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के पुलिस विभाग में ट्रांसफर का रैकेट चलाते हैं दलाल, इंटेलिजेंस कमिश्नर की रिपोर्ट पर कार्रवाई के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। सचिन वजे ने फर्जी आधार कार्ड से की होटल बुकिंग, आईडी में फोटो उसकी लेकिन नाम सुशांत सदाशिव खामकर। केरल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को नहीं मिला टिकट, सिर मुंडवाकर जताया विरोध। असम में बोले जेपी नड्डा, सीए सही वक्त पर होगा लागू, जनता को मूर्ख बना रही कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से किया इनकार, कहा पूरी तरह से ब्याज माफी भी संभव नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चोरी की जांच के बहाने घर में घुसे पुलिस वालों ने महिला से की दुष्कर्म, लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। यूपी में 4 चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव, होली के बाद तारीखों का ऐलान संभव। एम सुरक्षा कर्मी से मारपीट, आप विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में। पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को दिया 318 रन का टारगेट, धवन समेत कोहली, राहुल और कुणाल की 50। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गनीमत और अंगद ने भारत को 7वां गोल्ड दिलाया। स्कीट के मिक्स इवेंट में कजाकिस्तान को 33-29 से हराया। विदेश हेडलाइन, पाकिस्तान की मुश्किल, हम भारत से शांति चाहते हैं, युद्ध के बजाय गरीबी और शिक्षा पर हो बात, लेकिन अलापा जम्मू कश्मीर का राग। इसरो के गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री तैयार, पिछले 1 साल से रूस में चल रही थी ट्रेनिंग। अमेरिका के कोलोराडो के सुपरमार्केट में बंदूकधारी ने अंधाधुंध चलाई गोलियां, पुलिस ऑफिसर समेत 10 लोगों की मौत, संदिग्ध हिरासत में। कोरोना का खौफ, ईस्टर पर जर्मनी में लगेगा 5 दिन का सख्त लॉकडाउन। चीन के उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर यूरोप यूएस का सख्त कदम, चीन पर लगाए प्रतिबंध। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट हुआ नीलाम, 29 लाख अमेरिकी डॉलर में बिका। अब बिहार हेडलाइंस, 19 लाख नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, बोला आईना दिखाना जरूरी। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का उपद्रव, पुलिस पत्रकारों पर पथराव, तेजस्वी व तेज प्रताप हिरासत में। विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए आज होगी वोटिंग, सत्ता पक्ष से जेडीयू के माहेश्वर हजारी तो विपक्ष से आरजेडी के भूदेव चौधरी होंगे उम्मीदवार। बिहार पंचायत चुनाव के लिए आयोग का आदेश, कोई सरकारी व्यक्ति नहीं बन सकेगा मतगणना एजेंट। कोरोना का फिर वही दिन आया, हो जाएं सावधान, आज से दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के मिले तो सील होगी दुकान। जमुई में वैक्सीनेशन अधिकारी के तौर पर तैनात सीनियर डॉक्टर ने फंदे से लटककर की खुदकुशी, नवादा में जिला संयुक्त औषधालय का हेड क्लर्क 15,000 घूस लेते गिरफ्तार। शराब कारोबारियों पर हाईटेक तरीके से लगाम लगाएगी बिहार पुलिस, अब ड्रोन से खोजे जाएंगे धंधेबाज। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, बिहार सरकार को हाई कोर्ट से झटका, बीएड कॉलेजों में 451 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली रद्द। 10 दिन में 8 बच्चियों से रेप, लखीसराय में 5 से 7 साल की बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर रेप करने वाला गिरफ्तार, आरोपी की उम्र 50 साल। छपरा में सन की पति ने दिव्यांग पत्नी की हत्या करने के बाद घर में लगा दी आग। फ्लाइट से पटना आ रही महिला की लाखों की ज्वेलरी गायब, एयरपोर्ट पर हड़कंप, अररिया में दिन दहाड़े पान मसाला कारोबारी से 4 लाख रुपए लूटे। भागलपुर में पागल बंदर मचा रहा उत्पात, अब तक 30 लोगों को काट कर किया घायल। गया में नक्सली संगठन ने पोस्टर चिपकाकर पुलिस मुठभेड़ को बताया फर्जी, लगाया हत्या का आरोप। और अंत में स्पेशल रिपोर्ट, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात बिहार के भागलपुर जिले के रौनक कुमार और रमन कुमार की। रौनक ने इंजीनियरिंग की है जबकि रमन MBA ग्रेजुएट है।
अभी दोनों मिलकर खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं। वे लेमन ग्रास की खेती करते हैं और इससे चाय बनाकर देश भर में सप्लाई करते हैं। इस स्टार्टअप से हर महीने 4 से 5 लाख रुपए की कमाई हो रही है। रमन के साथ 10 लोगों की टीम काम करती है जो लेमन ग्रास की खेती के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का काम संभालती है। बायोटेक्स आपसे अपील करता है कि कोरोना वायरस महामारी से जितना बच सकते हो बचे, अपना और अपनों का ख्याल रखे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।